नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, ज्ञानव्यापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा बयान अब तक का सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर आखिर कर क्या रहा था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सवाल भी किया है। और ज्ञानव्यापी की दीवारें चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि वो मंदिर है, भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देख ले। मस्जिद में देव प्रतिमाएं हमने तो नहीं रखी और ज्ञानव्यापी पर मुस्लिम समाज से गलती हुई है। इस तरह का बयान देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और इस बयान को उनका सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो अब विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था और ज्ञानव्यापी की दीवारें अब चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि वो मंदिर है, भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। मस्जिद में देव प्रतिमाएं हमने तो नहीं रखी, तो आखिर वो कहां से आई। ज्ञानव्यापी पर मुस्लिम समाज से गलती हुई है जिसे मुस्लिम समाज को स्वीकारना चाहिए। तो ज्ञानव्यापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे बड़ा बयान ये सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। आए हैं वो बहुत ही हृदय विदारक है। इस पूरे सनातन समाज, सनातन संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं। उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विशेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। उसका जो मूल स्थान है जहां पे हम अपने आदि विशेश्वर की पूजा करते, अर्चना करते, रुद्राभिषेक करते, वहां पे वजू टैंक में शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है। और जब उसके ऊपर सवाल उठाए जाते तो कहते नहीं, साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए। जब शिवलिंग की एसआई जांच की मांग करते तो कहते साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए, कहते फाउंटेन है, फाउंटेन कहते हैं हमारे शिवलिंग को। साथ ही साथ जो पूरा परिसर है जहां पे और देवी देवता उनकी कटी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं, व्यास परिवार उस तहखाने में नवंबर 1993 तक पूजा कर रहा था, उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करके उस तहखाने से बाहर फेंक दिया। हिंदू समाज के लोग अलग अलग उस जगह पूजा कर रहे थे। माँ श्रृंगार गौरी की जो हम रोज वहां पर पूजा कर रहे थे, आज हमें साल में एक बार चतुर्थी के दिन वहां पर माँ श्रृंगार गौरी की चौखट पर पूजा करनी पड़ती है मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे। तो ये आपने पूरे क्या कहते हैं माइनॉरिटिज्म का और इस देश में जो सेक्युलरिज्म का एक गंदा खेल खेला गया है उसका यह जीता जागता उदाहरण है कि आपने हिंदू समाज की जो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र था उसको आपने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सच्ची और सही बात कही है और इस सही बात कहने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए और एक सत्य को स्वीकार करना या किसी से कहना कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए तो गलती क्या है। ये तो मुस्लिम पक्ष को उन्होंने जगाया है। क्या सो रहे हो आप? देखो इतिहास क्या है, ऐतिहासिक तथ्य क्या है, किसी बाका में मत आइए, विवाद मत बढ़ाइए। ऐतिहासिक तथ्य क्या है, वो जो भवन है उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, पूरा मंदिर का है, जितने ऐतिहासिक तथ्य जितनी इतिहास किताबें हैं सब में लिखा हुआ है। ये मुस्लिम स्कॉलर्स ने लिखा है, मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, इरफान हबीब ने कहा है कि सही है कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के काशी ज्ञानव्यापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। संत समिति तो वर्षानुवर्ष से यह बार बार पूछ रही है कि अरबी, उर्दू, फारसी में कहीं ज्ञानव्यापी शब्द का उल्लेख हो। ज्ञान के कुमार शब्द ज्ञान और व्यापी, ये दोनों शब्द उर्दू के हो तो मुसलमान बात करें। वास्तव में ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतया मंदिर है। तो उत्तर प्रदेश के ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा अब एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है और वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ज्ञानव्यापी परिसर के विवादित वजूखाने वाले हिस्से को छोड़कर तमाम इलाकों का एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकते हुए हाईकोर्ट को मामला ट्रांसफर कर दिया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और एएसआई सर्वे पर फैसला आने ही वाला है। इस मामले पर राजनीति भी अब गर्मा गई है क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाने का बयान दे चुके हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ज्ञानव्यापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो फिर विवाद होगा। गलती मुस्लिम पक्ष की ओर से हुई है तो उनकी तरफ से ही प्रस्ताव भी आना चाहिए। तो इस तरह का बयान देते हुए आज नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है, उन्होंने ये सवाल भी पूछा। तो ज्ञानव्यापी पर खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक गलती है जिस पर मुस्लिम समाज का पक्ष आना चाहिए।
तो मुस्लिम समाज का प्रस्ताव आना चाहिए, इस तरह की बातें कहते हुए भी वो नजर आए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को इस वक्त का सबसे बड़ा बयान इस मुद्दे पर माना जा रहा है, जिसकी हिंदू समाज द्वारा इस बयान का स्वागत भी किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद कहे जाने वाले मस्जिद कहे जाने पर नाराजगी व्यक्त की है और मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उसे मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से विवेक कुमार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर वकास वारसी भी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। विवेक जी, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं, तो जिस तरह से ज्ञानवापी मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अब ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा, उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए मनीषा जी, योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सार्थक बयान है, समुचित। जैसा कि ज्ञान व्यापी इसके नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञान का कुंड, ज्ञान का बपू, किसे ज्ञान व्यापी शब्द बना, तो ज्ञान और कुंड इससे तो इस्लामिक सभ्यता का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान व्यापी अपने आप में स्पष्ट है कि मंदिर का स्थान है, मंदिर का नाम है जी। और ऐसे में मुख्यमंत्री जी का जो ये बयान है, क्योंकि वो स्वयं गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है जी। और उनके गुरु जी का बहुत योगदान रहा अयोध्या के आंदोलन में, और इस सारे स्थानों से बहुत विशेष तरह से जुड़े हुए हैं, और उनकी ये जो आवाज है बहुसंख्यक समाज के ही शब्द है, उन्होंने स्पष्ट किया है। और ये वास्तव में मुस्लिम समाज द्वारा गलतियां की गई हैं, इसको सुधार लिया जाए, इससे समाज का आपसी सवाल बना रहेगा, खाइयां चौड़ी होने से बच जाएंगी। बिल्कुल। और मुस्लिम स्कॉलर वकास वारसी का रुक कर लेते हैं, तो वकास जी, जिस तरह से आपने विवेक जी की भी तमाम बातों को सुना और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी इस पूरे मुद्दे पर आज बड़ा बयान सामने आया है, मुस्लिम पक्ष किस तरह से देख रहा है उनके इस बयान को? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ विवेक जी के या आपके या चंद लोगों के लिए, बल्कि हम सबके चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जो है वजीर आला हैं सूबे के, और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसका जिम्मेदारी से मैं जवाब, और पहला सवाल विवेक जी से पूछना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गलती मुस्लिम समाज से हुई है, तो विवेक भाई मैं आपको बड़ा भाई मानते हुए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या औरंगजेब को आज के हिंदुस्तान के मुस्लिम वर्ग से जोड़ते हुए देखते हैं आप लोग? विवेक जी, आपका रिएक्शन? देखिए वारसी साहब, हम तो नहीं जोड़ते, ना जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो लोग इस मुकदमे को अदालत दर लिए फिर रहे हैं वो तो उसी परंपरा के प्रशक है, ये अपने आप में स्पष्ट है। मैं औरंगजेब की गलतियों को वो सही ठहराने के लिए अदालतों के चक्कर क्यों लगाते, खुद ब खुद आगे आकर कह देते साहब ये ज्ञान व्यापी आपका ले जाओ, हमसे गलती माफ करो। वकास जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पर त्रिशूल जैसा किला है। शुक्रिया विवेक भैया। बिल्कुल वकास जी, मैं भी सवाल कर रही हूँ, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है, वहां पर देव प्रतिमाएं क्या कर रही हैं, उनके इस बयान पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, मैं मेरा मानना अपने इंडिविजुअल उसमें ये है कि आज जिस तरीके से एक गार्जियन के तौर पर, एक बड़े अभिभावक के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सामने आए इस इशू पे, इतने सालों से चल रहा है इशू, और बल्कि पिछले एक डेढ़ साल से बहुत ही ज्यादा मतलब हॉट सेलिंग इशू था ये ज्ञानवापी मस्जिद का, जो रोजाना सर्वे एएसआई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां के जो दोनों पक्ष प्रतिपक्ष आमने सामने, कोर्ट में भी आमने सामने, और वहां मौके पे कई बार ऐसा हुआ, दोनों लोग बने रहिए। लेकिन एक बार फिर से हम सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने आज ज्ञानव्यापी मुद्दे पर दिया है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है,
हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुनवाया और आगे भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चाहना के खिडारी जड़े ने जो खेड रहे होन उन्होंने कोई घर की चिंता ना होवे, उन्होंने अपने परिवार की आर्थिकता की चिंता ना होवे, तां वो वधिया खेडणगे। बॉक्सिंग के आधार पर मेरी बेटी ने साड़ी जिंदगी सारी बदल के रख दी। नवी सरकार तो सू आस भगवंत मान जी ने पिछे वतन पंजाब गेम कराइया, साढ़े ही बच्चों के मैडल आए, काफ़ी 11 गोल्ड आए साढ़े ही। भगवंत मान जी भी स्पोर्ट्स वधिया रुचि रखते, जिवें वो खुद भी वालीबाल के प्लेयर रहे हैं। सानू आस है भी वो प्लेयर की वो स्थिति जानते हैं भी किमें एक नॉर्मल घर चो उठ के बंदा गेम च आता ग्रो करता। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि चर्चा चल रही थी कि ज्ञानवापी मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब अगर इसे मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। इसी पर चर्चा चल रही थी। हमारे साथ सपा नेता पूनम मौर्य भी जुड़ चुकी है। तो पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। तो पूनम जी, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना और सरकार की मंशा को स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर शब्द ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा और ये एक ऐतिहासिक गलती है जिसे मुस्लिम समाज को अपनाना चाहिए और इस पर प्रस्ताव लाना चाहिए, तो आप किस तरह से देख रही हैं उनके इस बयान को? खाता में कहीं और मुख्यमंत्री जी जो कहे वो सही, कोई भी व्यक्ति हो जो इंडिया में रहता है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो और चाहे प्रधानमंत्री जी हो, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो अदालत से और संविधान से ऊपर उठकर बयानबाजी करें। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए इस तरह से वोट के लिए बयानबाजी करेंगे 2024 को दृष्टिगत रखते हुए, तो कुर्सी पर बैठने के बाद भी लगता है कि आप पूरे प्रदेश को अराजकता में और दंगा में खुद झोंकने की साजिश कर रहे हैं, जो कि बड़ा शर्मनाक है। उनको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। और एसआईटी गठन की जो बात हो रही है वो कानून और अदालत और सबूतों को अपना काम करने देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह की पूरी गपबाजी या बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं उनके बयान को सुन बैठी, मैंने पढ़ा भी कि वहां देव मूर्तियां हैं, तो आपने तो देव मूर्तियां देख लिया। तथा अगर गौतम को भी देव ही कहा जाता था, उनको दानव भी कहा जाता था, तो आप ये निर्धारित करने वाले कौन होते हैं? जांच होने दीजिए और सौहार्द बनाए रखिए। आप प्रदेश के अभिभावक हैं, इस तरह से उस्ताइए नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उपद्रव करें और पूरे प्रदेश को आप अराजकता के आग में झोंक दें। उनका मैं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि सुन रही में कि 2017 से कोई दंगे नहीं हुए। हाँ, सिपा के कोई दंगे कहां कहां नहीं हुए सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब दंगा पार्टी सत्ता में बैठ गई है तो स्वाभाविक रूप से दंगे नहीं होंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है, वहां आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगे कर रहे हैं। और चाहे वो बिहार राज्य हो चाहे मणिपुर राज्य हो, सब जगह कर रहे हैं।
और मैं तो यही कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अदालत से और संविधान से ऊपर उठकर वक्तव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि तो अगर आज आप मुख्यमंत्री हैं, मठ से आकर आप मुख्यमंत्री हैं और धन तो संविधान की देन है। अगर विवेक जी, विवेक जी, पूनम जी इस बयान को अराजकता फैलाने वाला बयान कह रही हैं और उन्होंने इस बयान को एक शर्मनाक बयान का संज्ञा दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मनीषा जी, इस बयान पे समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है। बेहतर होता कि समाजवादी पार्टी इसमें इस बयान को सकारात्मकता से लेती, आगे बढ़कर बयान का स्वागत करते। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अंधा भी नहीं होना चाहिए, ये भी किसी किताब में नहीं लिखा है। ठीक है, जो चीज खुली आंखों से दिख रहा है, उसको कम से कम देखने की शक्ति संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के आंखों में होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने वही कहा है, दिख रहा है मस्जिद में त्रिशूल हमने नहीं रखा, मस्जिद में मूर्तियां हमने नहीं पहुंचाई, वहां गौरी गणेश की पूजा होती है ये हमने नहीं रोकता थी, ये पहले से होती आ रही। तो मुख्यमंत्री जी ने वही कहा है जो आज दिख रहा है, जो जनमानस को दिख रहा है। और सब लोग जानते हैं काशी विश्वनाथ है, बाबा विश्वनाथ के अलावा कुछ और नहीं है, काशी में भगवान शिव के अलावा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूनम जी सुनने की आदत आ रही है, आपने बोला मैंने आपको नहीं ठोका, आपकी बारी आएगी आप बोल लीजिएगा, आपकी बारी आएगी आप बोल लीजिएगा, मैंने आपको नहीं ठोका। विवेक जी और पूनम जी आपको भी सुनेंगे और वकास वारसी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वकास जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को आपने सुना, एक तरफ जहां सपा इस बयान को शर्मनाक बता रही है तो वहीं विवेक जी का कहना है कि हमने तो वहां पर मूर्तियां नहीं रखी, आखिर वो मूर्तियां आई कहां से, और उन्होंने इस बयान का पूरी तरह से स्वागत किया है और हिंदू पक्ष भी इस पूरे बयान का स्वागत करती हुई नजर आ रही है, आपका क्या कुछ कहना? देखिए मैं तो दोनों पक्षों के बयान दोनों पार्टियों के बयान सुनते हुए यही महसूस कर रहा था कि इस मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो लेबोरेटरी के उस चूहे की तरह और जानवर की तरह हो चुकी है कि किसको कोई भी अपनी राजनीति का पैमाना नया लॉन्च करना होता है तो वो गरीब राजनीति की दृष्टि से अगर ना देखा जाए, तो उनके उस सवाल पर आपका क्या रिएक्शन है? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहां पर त्रिशूल कैसे आए, वहां पर देव प्रतिमाएं कैसे आई? देखिए कोई भी मसला जो खास तौर से नया नहीं है, पुराना है, तो इस या तो इस चिंगारी को जब ये जंगल में लगी थी तो उस वक्त ही इसी तरीके से गार्जियन बन के दोनों पक्षों को बिठा के समझौता करा देना, कोर्ट के बाहर ही समझौता करा देना ज्यादा बेनिफिशियरी था। अब चूंकि चिंगारी आग के फॉर्म में बढ़ चुकी है और आधे जंगल में आ चुकी है तो इसको कोई भी एक डायलॉग से खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी तरफ से। तो जब तक दोनों पक्षों के लोग ना बैठे जो कोर्ट में है पेटिशनर और सामने से जो दूसरे प्रतिपक्ष हैं, दोनों लोग जब तक नहीं बैठ लेते और किसी एक अच्छे बड़े समझदार व्यक्ति की गार्जियनशिप में, तब तक मैं मानता हूं कि ये मामला खत्म नहीं होने का। क्योंकि पहले भी आप याद करिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि 15 अगस्त 1947 के वक्त से लागू किया गया 1991 में, ये कहकर कि जो भी 15 अगस्त 1947 में मंदिर या मस्जिद के आकार में जगहें थी वो वैसे ही बनी रहेंगी, एक्सेप्शन ऑफ बाबरी मस्जिद। क्या वो किसी मुसलमान ने जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट के? क्या क्या उसके लिए भी मुसलमान शुरुआत है? ठीक है, तो पूनम जी जिस तरह से हम भी आपसे वही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा सवाल भी किया है कि अगर ये मस्जिद है तो यहां पर पहले से त्रिशूल क्या कर रहे थे, उनके इस सवाल पर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि आपने उस बयान को तो शर्मनाक बताया है लेकिन इस सवाल पर आपकी क्या राय है? देखिए योगी आदित्यनाथ जी को मैं कह रही हूँ प्रदेश के मुताबिक है, उनको इस तरह से जिम्मेदाराना नहीं देना चाहिए और कहां से क्या आया और क्या गया वो तो प्रदेश के मुखिया है और देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस सरकार से कहेंगे कि जाकर देख ले और जैसा कि वकील साहब कह रहे थे
कि यदि भारत देश इंडिया देश एक नेशन है और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, भारत आजाद हुआ, तो ये मानकर आजाद हुआ था कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और सबके धर्मों का सम्मान करेंगे, जो जैसे मठ मंदिर मस्जिद है उससे छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी हो और चाहे देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये बार बार छेड़छाड़ करके हिंदू हिंदू कार्ड खेलकर इस देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करा रहे हैं। क्योंकि ये देश किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, बड़ी संख्या में 85% समाज का मेरा समाज है, मुस्लिम समाज है। आप कह दीजिए कि सिर्फ ये हिंदुओं का देश है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सभी का देश है विवेक जी, सभी का देश है विवेक जी, ये सभी का देश है। और पूनम जी का भी यही कहना है और वकास जी का भी यही कहना है कि एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर सीएम योगी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बयान कुछ भी हो लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि इस पर विवाद जरूर गरमाएगा। देखिए मनीषा जी, बेसिस ऑफ वर्सेस एक्ट का जो लोग उदाहरण देते हैं जी, उसी एक्ट में ये भी मेंशन है कि 100 साल से पुराने जो बिल्डिंगे हैं उनपे ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये तो सब लोग को मालूम है कि ज्ञानवापी मथुरा 150 साल के अंदर के निर्माण नहीं है, इस पर तो ये लागू नहीं होता। नरसिम्हा राव जी ने जो दिया था मैसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका स्थलीय स्थिति क्या है उनको भी समझ में आनी चाहिए। ये उसकी आड़ में छिपने की जो लोग कोशिश करते हैं, आप सत्य को छिपा नहीं सकते, जो सत्य है वो नंगी आंखों से दिख रहा है। क्योंकि आदित्यनाथ जी ने वही कहा है तो एक साधारण आंख से दिख रहा है और ये कहीं नहीं लिखा संविधान की किताब। विवेक जी आपको सुनेंगे, बिल्कुल विवेक जी आपको भी सुनेंगे, वकास जी आपको भी सुनेंगे। इसी बीच हमारे पास कांग्रेस से शहनवाज अहमद भी जुड़ चुके हैं, तो शहनवाज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शहनवाज जी, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना और सरकार का मत साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने ये बयान दे दिया है कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं अब विवाद गहरा सकता है, आप किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक ऐतिहासिक गलती है और इसे मुस्लिम समाज को मानना चाहिए और प्रस्ताव लाना चाहिए। देखिए, अगर इस देश में फेयर जुडिशियरी होती, न्यायपालिका स्वतंत्र होती जी, तो उनके इस बयान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस हैं, जिला अदालत में कई पिटीशंस हैं, और कोई भी एक जिम्मेदार नागरिक जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखता हो, उसको पता है कि जब कोई मामला सब ज्यूडिस होता है तो उस पर कोई बयान नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। लेकिन शहनवाज जी, ये बात हिंदू समाज की तरफ से की जा रही है, अगर वहां पर त्रिशूल हैं और देव प्रतिमाएं हैं तो किस तरह से उसे मस्जिद कहा जा सकता है? पहले मेरी बात सुनिए ना जी। ये योगी जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड भी हो गए हैं क्या? ठीक है विवेक जी, एक लाइन में आपका रिएक्शन, विवेक जी एक लाइन में आपका रिएक्शन, शहनवाज जी की बात का जवाब दें। सुनिए पहले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड है क्या योगी जी? जो भगवान राम को काल्पनिक पात्र सर्वे न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेकर के योगी जी पे मुकदमा करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, कंटेम्प्ट कोर्ट का मामला है, न्यायपालिका को मनीषा जी, ये वो लोग हैं जो भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट के अलगनामे में काल्पनिक पात्र बता रहे थे। ठीक है, पार्टी के नेता कह रहे थे कि साहब मुकदमा का फैसला इस तारीख को नहीं इस तारीख के बाद करिए, ये सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देने वाले खुद कंटेंट पर कोर्ट करने वाले दूसरे कंटेंट पर कोर्ट भाषा बता रहे हैं। सीबीआई के खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे हैं बीजेपी के लोग मणिपुर के मुद्दे पे, ये क्या बताएंगे? न्यायपालिका की बात कौन करेंगे? है कौन ये? ऐसे गैर न्यायपालिका का असम्मान करने वाले
तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद ये तो तय है कि ये विवाद लगातार गर्माता जाएगा और गर्माता हुआ नजर भी आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।